एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फैमिली फैशन विजन एंड साउंड्स और मैं हूं रीना। सो गाइस, आज का वीडियो है ज्वेलरी स्पेशल जो कि मैंने मंगाई है मीशो से। मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जो कि आजकल काफी पॉपुलर है, आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है। और मैं तो इस ऐप पर फिदा हो गई हूँ, और फिदा इसलिए हुई हूँ क्योंकि इसकी ज्वेलरी बहुत पसंद आई है मुझे। मुझे जितनी भी मैंने इसकी ज्वेलरी मंगाई है सारी ही बहुत ज्यादा अच्छी लगी है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, और रेंज वाइज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो वीडियो की तरफ बढ़ूँ तो एक एक ज्वेलरी बहुत ही खास होगी और बहुत ही स्पेशल है, आपको डेफिनेटली आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो आपको सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, कुछ नोटिफिकेशन ना मिलने की वजह से कुछ अच्छे वीडियोज आप मिस कर जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ विदाउट एनी डिले। तो ये ज्वेलरी आप देख सकते हो, इस तरीके की एंटीक गोल्डन ज्वेलरी है जो कि मैंने पहनी हुई है। इसमें गोल्डन कलर की इस तरीके की एंटीक आपको दिखाई दे रही है, साथ ही ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरीके की बीड्स लगी हुई हैं, और पीछे थ्रेड वर्क है जिससे आप इसको टाइट कर सकते हो, और ये दिया हुआ है इसके साथ गोल्डन कलर का इसकी मैचिंग का इयररिंग। मुझे बहुत पसंद आई ये ज्वेलरी, किसी भी फंक्शन के लिए एकदम बढ़िया है, साड़ी पर पहनो या सूट पर पहनो। ये सूट भी मैंने मीशो ऐप से मंगाया है, और ये इसके साथ सिल्क का दुपट्टा है, आप देख सकते हो, मुझे बहुत पसंद आया। और साथ ही इसके पीछे जो डोरी भी लगी हुई है आप देख सकते हो, यहाँ पर ये डोरी लगी हुई है, और इसका जो प्राइस है बहुत ही रीजनेबल है, 600 रुपीज में आपको कुर्ती, प्लाजो और साथ ही ये दुपट्टा मिलता है सिल्क का। तो भाई और क्या चाहिए, अगर इस प्राइस में आपको इतना बढ़िया ये सूट मिल जाता है पूरा। कि ये मैंने मंगवाए हैं अफगानी इयररिंग्स, आप देखो कुछ पिकॉक स्टाइल में यहाँ पर ये इसका दिया हुआ है, और साथ ही इतने सुंदर लग रहे हैं यार ये इयररिंग्स, आप देखो पहनने के बाद यार जान आ जाती है आपके फेस पर, साथ ही आपकी ड्रेस को चार चांद लग जाएंगे इस ज्वेलरी को पहन के। देखिए यार, इट्स लुकिंग फैब, आई थिंक इट्स लुकिंग अमेजिंग। वेस्टर्न के साथ भी पहनना चाहें तो बहुत बढ़िया लगेगा, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे ये। सिप्पी टाइप का ये इयररिंग है, हूप इयररिंग्स है, मुझे बहुत अच्छे लगे। इनमें से जो आवाज़ आ रही है ना यार, वो बहुत प्यारी लग रही है मुझे, और पहनने के बाद आप देखो यार कितना ऑसम लग रहा है पीस, बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब एकदम यूनिक है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मार्केट में नहीं मिलती हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा यूनिक लगा। एंटी ऑक्सीडाइज सेट की बात करें तो ये सेट बहुत ही सुंदर है, और इसके साथ इयररिंग्स भी बड़े प्यारे दिए हुए हैं। तो ये नेक्स्ट पीस है, इसमें ये पूरा सेट है ज्वेलरी का, आप देखोगे ये भी कुछ पिकॉक टाइप में बना हुआ है, और इस तरीके के इसके ऑक्सीडाइज ये इयररिंग्स हैं, और ओह माय गॉड। नेक्स्ट आइटम ये मेरा ऑक्सीडाइज झुमकी है जो कि अलग अलग डिफरेंट कलर की बीड्स और पर्ल के साथ बनी हुई है। इसकी जो आवाज़ है ना, जो इसके पर्ल की आवाज़ है इन झुमकियों के साथ, बहुत ही प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो। आप इसको वेस्टर्न के साथ भी पहनोगे ना यार, बहुत सुंदर लगेगी, और प्राइस 221 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है लेकिन बहुत प्यारा पीस है। इन ज्वेलरी के साथ मैंने कुछ क्लोथिंग आइटम भी मंगाए हैं मीशो से। फर्स्ट टाइम ये रियोन मिडी वन पीस कुर्ती मंगाई है जो बिल्कुल मॉडल के जैसी आई है। इसका कलर एग्जैक्टली सेम है, और कलर जो है, कलर के साथ साथ जो इसकी फैब्रिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छी लगी मुझे, पहनने में कम्फर्टेबल है, आप डेली वेयर में पहन सकते हो इसको, अगर ऑफिस गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो। काफ़ी स्मार्ट पीस भी है, पहनने के बाद भी एकदम से बिल्कुल एग्जैक्टली मॉडल लाइक लुक लग रहा है। आप जैसा देख सकते हो सामने, मैंने पिक्चर में आपको दिखाया है, बिल्कुल प्रिंट भी जो मुझे लगता है कि धुलने के बाद नहीं हटेगा, बाकी इसको वॉश करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू बता पाऊंगी कि कैसा रहा। अब बढ़ते हैं उस ज्वेलरी की तरफ जो कि इस पूरे हॉल की सबसे फेवरेट ज्वेलरी है और सबसे प्यारी लगी है मुझे ये ज्वेलरी। आप देख सकते हो ये मिरर टाइप की ज्वेलरी, और मुझे तो बहुत बहुत प्यारी लगी है, मस्ट बाय आइटम है। तो नेक्स्ट ज्वेलरी की मैं बात करूं तो ये बहुत ही सुंदर सा चोकर सेट है, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल शिमरी ग्लिटरी सा ये चोकर सेट है, जिसको पहनने के बाद आपकी कोई भी साड़ी हो, कोई भी सूट हो, या कोई भी आपकी वेस्टर्न ड्रेस भी होगी ना, ये बहुत ही प्यारी लगने वाली। ग्लासेस मिल जाएंगे मिरर का, इस तरीके से वर्क मिल जाएगा, ये देख सकते हो आप, और ऐसे आप इसको पहन पाओगे ये इस तरीके से,
इसमें पीछे थ्रेड दिया हुआ है, काफ़ी मजबूत थ्रेड दिया हुआ है और इसको नॉट लगा के आप टाइट या लूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको अगर मतलब गले से चिपका हुआ पहनना है या फिर थोड़ा आपको लूज पहनना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने इसको थोड़ा सा लूज छोड़ा क्योंकि मुझे घुटन होनी शुरू हो जाती है ज़्यादा टाइट पहनने से। इसके इयररिंग्स हैं, ये हैं इयररिंग्स और देखो, ओह माय गॉड, क्लॉथिंग आइटम्स जो मैंने मंगाए हैं मीशो से वो दो जंप सूट्स हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगे मुझे, कलर वाइज भी और इनके प्रिंट वाइज भी और साथ में इनकी फिटिंग वाइज भी। आप देख सकते हो मैंने इसको पहना है, ये क्रेप काइंड ऑफ मटेरियल है और बॉडी हगिंग मटेरियल है, आपके बॉडी के साथ एकदम से चिपक जाता है, चिपक जाता है इन द सेंस कि आपकी बॉडी में फिट बहुत अच्छा आता है इसका। मेरे इसका जो साइज था वो मैंने एल साइज मंगवाया है और आप अपने अकॉर्डिंग अपना साइज यहाँ पर दे सकते हो, एक्सेल तक अवेलेबल है और जो इसका फिट आया ना दैट इज़ रियली वेरी परफेक्ट और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और स्लीव्स भी बड़ी ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीव्स हैं जो कि अलग टाइप से लग रही हैं और बहुत कंफर्टेबल पीस है, तो ये आइटम भी मस्ट बाय है, मुझे बहुत पसंद आया। ये डिफरेंट टाइप का आइटम है, 603 इसका प्राइस है एंड द सेकेंड ये जो मैंने मंगाया है वो ये वाला आइटम है, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे लगे मुझे। नेक्स्ट ज्वेलरी आइटम है ये मेरी बोहो चोकर सेट। ये चोकर सेट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप कहोगे सारे पीसेज ही तुम्हें अच्छे लगे, लेकिन क्या करूं, सारे पीसेज एक से बढ़कर एक हैं और सच में बहुत अच्छी ज्वेलरी है। और अगर आप जो ज्वेलरी इधर उधर ढूंढते हो, डिफरेंट टाइप की ज्वेलरीज ढूंढते हो, आपको मीशो पर वो सारी ज्वेलरी एट वन प्लेस मिल जाएंगी। बोहो काइंड ऑफ ऑक्सीडाइज गोल्डन कि मैंने ये चोकर सेट मंगाया है, ये देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है यार। ये पीस भी मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा। ये मल्टी कलर का पीस है, आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ पहनोगे ऑसम लगे, बोहो लुक लग रहा है ये पीस। सो हाउ इज इट लुकिंग, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये पीस कैसा लग रहा है आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट पीस जो कि ये चोकर सेट है जो ऑक्सीडाइज अगेंस्ट और सिल्वर है, इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी है, पीस बहुत प्यारा है। चोकर टाइप लगा था लेकिन पहनने के बाद ना इतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये पीस, क्योंकि बहुत ही हैवी लुक दे रहा है और ये देखो आप जिस टाइप का दिख रहा था ना मुझे उस टाइप का लगा नहीं ये पीस, कुछ अलग ही तरीके का पहनने के बाद इसमें ऐसे लुक आ रहा है। और प्राइस भी ना इसका मुझे ज़्यादा लगा काफ़ी, 831 इसका प्राइस है और आप देख सकते हो पहनने के बाद ना मुझे थोड़ा गर्दन पर से इसको टाइट टाइट सा लग रहा है और अनकंफर्टेबल पीस लग रहा है पहनने के बाद। तो नेक्स्ट ऑर्डर है ये सेट जो कि ब्लू कलर का है। जनरली हमारी ज्वेलरी में ब्लू ग्रीन पॉपी कलर्स कम होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये आइटम मंगाया था क्योंकि ये थोड़ा पॉपी कलर लग रहा था मुझे। व्हाइट कलर का ड्रेस हो, व्हाइट कलर की साड़ी हो, उसके साथ इस टाइप की पॉपी कलर्स के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। अगेन से ये जो ज्वेलरी सेट है ये थ्रेड काइंड ऑफ वर्क के साथ बना हुआ है, बीच में गिन्नी का वर्क है, बड़े बड़े गिन्नी टाइप मटेरियल की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लगी हुई है और जो नीचे दिया हुआ है ये भी छोटी छोटी गिन्नी की ज्वेलरी टाइप लगी हुई है जिसमें से आवाज़ भी आती है हिलने पर, जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे काफी अच्छा लगा ये पीस भी। तो आप ही बताइएगा कि ये पीस आपको कैसा लग रहा है। वो भी कुछ जो बोहो टाइप की ज्वेलरी है, ये उसके छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं, हल्के से हैं बिल्कुल। और ये है वो ज्वेलरी, आप देख सकते हो बहुत ही लाइट वेट है ये ज्वेलरी भी, दिखने में बहुत हैवी लुक दे रही है लेकिन बहुत ही लाइट वेट है। डांडिया इस टाइप का जो सीजन है उसमें पहनने में बड़ा प्यारा लगेगा क्योंकि ये गुजराती ड्रेसेस के साथ इस तरीके की जो वो ज्वेलरी होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इस टाइप की बोहो ज्वेलरी। आप देखो ब्लैक कलर के साथ तो माय गुडनेस लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है।
आप कहोगे सारी ज्वेलरी बहुत पसंद है क्योंकि क्वालिटी बहुत प्यारी है। इसका ऑक्सीडाइज ये दिया हुआ है, साथ में बीड्स दिए हैं और ये इसके इयररिंग्स हैं, बहुत हल्के हल्के से हैं तो बड़े प्यारे लग रहे हैं ये सेट भी। ये था मेरा मीशो का ज्वेलरी एंड क्लोथिंग ह्यूज हॉल जो कि मैंने बहुत ही जेन्युइन तरीके से आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया। आपको कौन से आइटम सबसे अच्छे लगे और कौन सी ज्वेलरी सबसे अच्छी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इन सभी आइटम्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहते हो इनमें से कुछ भी परचेज करना तो आप वहां जाकर इन आइटम्स की जो कोड है वहां डालकर उनको सर्च कर सकते हो और इन आइटम को वहां पर परचेज कर सकते हो। अभी मीशो पर चल रही है सेल तो आप अगर वहां पर इन आइटम्स में से कोई भी आइटम्स को परचेज करते हो तो शायद आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और ज्यादा डिस्काउंट भी मिल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।